देख सकते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा का हेलीकॉप्टर जो है वो आ चुका है, और देखिए किस तरह से जो लोग हैं भाजपा कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। जवाहर हजारीबाग में फैज अनवर, आप देख रहे हैं जवाहर हजारीबाग, आज पहली बार सांसद जी के कार पे बैठे हैं, और सांसद जी का बहुत बहुत पहले धन्यवाद कि इंटरव्यू लेने का मौका नहीं था, क्योंकि पीएम मोदी जो हैं वो 2 तारीख को हजारीबाग आ रहे हैं, बहुत व्यस्त थे इसीलिए बोले कि कार में ही आप इंटरव्यू कर लीजिए, तो सर बैठ गए हैं। सर कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बड़ा खुशी है आपको, आपको और आपके चैनल को हमेशा देख करके मज़ा आता है, खुशी होती है। हम लोग वकालत भी करते हैं कि भाई हजारीबाग के हो तो जोहार हजारीबाग से जुड़े। क्या बात है सर, बताइए कैसी तैयारी चल रही है? मोदी जी आ रहे हैं, इसके पहले भी 4-5 प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें आप हमेशा आगे रहे हैं, स्टेज में भी रहे हैं, शेयर किया है स्टेज, और आप प्रमुख तरह से, मतलब जब विधायक थे तब से आपको हम देख रहे हैं कि मोदी जी के हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तैयारी में जुटे रहते हैं। अब सांसद बन गए हैं, अब तो डायरेक्ट केंद्र से आपके पास आदेश आता होगा, तो पहले के और अभी के में क्या फ़र्क है तैयारी में, और जो एटीट्यूड जो चेंज हुआ होगा उन लोगों का आपके प्रति, उसमें क्या आया है? देखिए, मोदी जी एक राष्ट्रीय नेता हैं, और इनके आने से एक जो वातावरण बनता है, जो उमंग बनता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। हम लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि जैसे मोदी जी का कार्यक्रम घोषित हुआ, पूरे राज्य से लोगों का फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि ज़रा हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचवा दीजिएगा, एक बुके दिलवा दीजिएगा। तो ये क्रेज़ होता है मोदी जी का, और अभी जब वो आ रहे हैं तो हमको लगता है कि 7-8 विधानसभा जो इससे सटते हैं, उन सभी विधानसभाओं से लोग जो है उन आएंगे यहाँ पर, और कार्यकर्ता लोग जो है इस रैली में सम्मिलित होंगे। एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें वो कुछ ट्राइबल समुदाय के लिए जो है देशव्यापी कोई योजना की घोषणा करने वाले हैं, वो होगा, कुछ इनॉग्रेशन होंगे, कुछ का आधारशिला रखा जाना है, और उसके बाद जो परिवर्तन यात्रा है जो इस प्रमंडल का और रांची प्रमंडल का चल रहा था, उसका समापन सभा भी 2 तारीख को होगा। हम सभी लोग ये जानते हैं कि ये परिवर्तन यात्रा किस महीने में महत्वपूर्ण है, और जहाँ जहाँ भी हम लोग गए बड़ी संख्या में लोग इसमें जुड़े, और सबका एक ही बात कहना था कि जो भ्रष्टाचार है इसके मुद्दे से हम लोग बड़ा परेशान हैं, कोई काम नहीं होता है, जो घर बनाना चाहो तो बालू महंगा है, जो बजट है उसमें फिट नहीं होता है, ब्लॉक में जाइए तो पैसा लगता है, बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा, थाना में FIR नहीं हो रहा, अव्यवस्था कालम पूरी तरह से छाया हुआ है। डेवलपमेंट अगर आप देखें तो रघुवर जी की सरकार से आधा से भी कम है इसमें, और ये सरकार जो उम्मीद जगा के आई थी, जो घोषणा करके आई थी कि इतना नौकरी देंगे, ये पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, महिलाओं को 2000 देंगे, पारिवारिक लाभ का 72000 देंगे, शादी में सोना का सिक्का देंगे, ये एक भी वादा इनका पूरा नहीं। JMM के लोग कह रहे हैं कि ये मैया योजना जो है रामबाण की तरह काम कर रहा है, भाजपा इसे कैसे देख रही है? देखिए, ये ठगने का दूसरा तरीका है, पहले इन्होंने पहली बार ठगा घोषणा करके कि हम ये देंगे, मिला कुछ भी नहीं, अब ये क्या है कि एक आध महीने का परफॉर्मेंस दिखा करके उसके माध्यम से ठगना चाहते हैं। इंटेंशन क्लियर तब होता है जब आप आए और आप तुरंत कोई काम को करना शुरू कर दीजिए। 5 साल आपके पास था, 5 साल आपने क्यों नहीं दिया, पहला क्वेश्चन उठता है। दूसरा क्वेश्चन कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जो आपका अलाई है, वो भी अभी जितना घोषणा की थी कोई वादा पूरा नहीं कर रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बैंकरप्सी के कगार पर है कि जो वादा की है वो पूरा नहीं कर रही है। लोग मध्य प्रदेश की तरफ देख रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना को अब 7-8 साल होने जा रहा है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है की सरकार जो है चलाती है, उसको भी अभी जो है 4-6 महीना हो गया और लोगों को भुगतान हो रहा है। तो एक कंपैरिजन लोगों के दिलो दिमाग में है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो कमिट कर रही है वो दे रही है, जो कांग्रेस वाले जो है या JMM वाले जो है वो ठगने का काम जो है कर रहे हैं। जैसे लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा कि जितनी भी आदिवासी सीट है वो JMM जीत गई, और भाजपा लगातार कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो संथाल एरिया में आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव वोट के टाइम में क्यों नहीं पड़ रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं, आखिर क्या कारण है? देखिए, ट्राइबल सीट्स का जीतना या हारना किसी भी सीट पर आप ले लीजिए तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चलते रहने वाला विषय है, कभी हम जीतते हैं कभी हम हारते हैं, कई एक सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें जो कि किसी चीज़ को प्रभावित होता है, कोई एक फैक्टर किसी भी चीज़ का होता नहीं है।
बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं इसका चुनाव परिणाम पर, इसलिए हम लोग कन्फर्म हो करके बोल रहे हैं कि वो वोटर हैं जेएमएम और कांग्रेस के, और अगर उस सीटों से कांग्रेस और जेएमएम जीत रही है तो ये और ज़्यादा प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पे वो लोग हैं। आपने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने 10 विधानसभा की एक सूची उपलब्ध कराई थी इलेक्शन कमीशन को, जहाँ पर बूथों में जो ये है वो बढ़ गया है, आपको एक समुदाय विशेष का जो वोट है वो 10% से लेकर के 136% तक बढ़ा है। 5 साल में 136% कैसे बढ़ जाएगा, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, तो ये अपने आप में क्लियर है। आज आप हजारीबाग में चलिए, हम लोग आपको ढूंढ के निकाल के बता देंगे कि कहाँ पर होते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख पाते, मतलब ये सब मुद्दा है जो वोट को प्रभाव नहीं कर रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि वोट को प्रभावित कर रहा है, तभी तो यहाँ से कांग्रेस जीत रही है, और इसीलिए तो बांग्लादेश वालों को दामाद बना के बिठा रही है। ये जो जेएमएम और कांग्रेस इंडिया अलायंस के लोग जो हैं, इसी बात को तो लेकर के वो लोग जीत रहे हैं। और इस चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन रैली भी जितनी भी हुई है, परिवर्तन यात्रा जितनी भी हुई है, उसमें विकास की बात नहीं हो रही है, जैसे हम लोग देख रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ और भी तरह की बात जो भी है, जेएमएम सरकार के अपोजिशन में आप लोग कह रहे हैं, तो विकास का जैसे पहले मुद्दा था कि हम क्या करेंगे उस पर आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या घोषणा होने के बाद जब टाइम घोषणा हो जाएगा तब आप लोग लेके आएंगे मैनिफेस्टो, या फिर अभी से कुछ प्लान है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो विकास के नाम से जानी जाती है, विकास ही हम लोग का प्रमुख एजेंडा है, और हम बाकायदा एक ये करने वाले घोषणा पत्र लेकर के आने वाले हैं बाकायदा, और उसमें जो है मैया से भी बढ़िया योजना लेकर के आएंगे, इस राज्य के विकास के लिए भी योजना लेके आएंगे, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, इस देश के, इस प्रदेश की जनता के सामने होंगी, और वो इन चीज़ों को देख भी पाएंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल ये है कि अब आप लोग चुनावी राजनीति में उतर चुके हैं, क्या माहौल है और कितनी सीटें लाएंगे, और हजारीबाग का कैंडिडेट का जो वो उलझन है अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है, ये सब कैसे होगा? देखिए, टिकट देना जो है ना पार्टी का काम है, पार्टी टिकट देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग इस बार बहुमत से सरकार, बहुमत से अकेले भाजपा लाएगी कि एनडीए गठबंधन लेके? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ऑन खुलेगा तब ना। हाँ, तो हेलीकॉप्टर उतर चुका है और आप देख सकते हैं इंटरव्यू हम लोग का ख़त्म हो चुका है, और इंतजार कर रहे हैं किसी तरह से उनके नेता आएंगे, और पीएम मोदी का जो 2 दिन का कार्यक्रम है उसको देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देख सकते हैं सारे के सारे भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँच गए हैं, हेलीकॉप्टर लॉन्च कर चुका है, अब कुछ ही देर पे वो बाहर निकलेंगे और अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। देख सकते हैं किस तरह से जब भी कोई नेता आता है तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है, और उसी को देखने के लिए, उसी से मिलने के लिए पहला अंश, देखिए पीएम मोदी को भी देखने के लिए इसी तरह से लोग हेलीकॉप्टर में इंतज़ार करते हैं और वेट करते हैं कि उनका नेता आएगा और फिर देखेंगे। लेकिन अभी देखिए माहौल क्या है, हेलीकॉप्टर जो है हिमंता बिस्वा शर्मा का यहाँ पे उतर चुका है, और कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे, कार्यकर्ता जितने हैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन ला के सभी लोग खड़े हैं, और एक तरह से नेता जी आएंगे और सबसे मिलते रहेंगे, सबका अपना जान पहचान होगा। तो देख सकते हैं कुछ ही देर में हीम जो हैं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो पूरे सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 2 तारीख को मोदी जी का प्रोग्राम है, उसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप जिला अध्यक्ष जो हैं हजारीबाग के विवेकानंद सिंह जी, वो गुलदस्ता दे रहे हैं और उनसे स्वागत कर रहे हैं। फिर बटेश्वर में लो ऊपर देखिए किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, और सभी कार्यकर्ता जो है उनको यहाँ पे सामने आओ, इधर आओ, कलाम। थैंक यू।